आशुतोष द्विवेदी जी, मुझे बताइए आपकी क्या टिप्पणी है, सलाल इकोनॉमिक्स पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और नहीं तो क्यों ना सरकारी नियामक इस बात का नियंत्रण करे, इसको देखे, धार्मिक संस्थाओं पर इसका पैसा क्यों जाए इसके टैक्स का। दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो ये हलाल समर्थक आपके पैनल में बैठे हुए हैं, ये खुद ही कंफ्यूज हैं कि हलाल क्या है हराम क्या है। इनका एक दल है दारुल उलूम देवबंद, जो ये कहता है कि दवाओं में अल्कोहल हलाल है पर अल्कोहल पीना हराम है। तो पहले इनसे पूछिए कि हलाल और हराम में ये कंफ्यूज क्यों है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक वर्ग विशेष के कानून के लिए मैं अपनी जेब से ज्यादा पैसा क्यों दूं। जो कंपनियां इनको हलाल सर्टिफिकेशन के पैसा देती है उससे उत्पादों की कीमत बढ़ती है, उत्पादों की कीमत बढ़ती है वो हम जैसे गरीबों के जेबों पर भारी पड़ती है, और हम इसलिए ज्यादा पैसा दें इनको ताकि आतंकियों को फंडिंग कर सके।